हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं राजनीति शास्त्र का चैप्टर 2। हम लोग पिछले क्लास में जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखेंगे। भारत का समाज जाति आधारित है। भारत का जो समाज है वो जाति आधारित है, जात पे आधारित है। यहाँ जो कुछ भी होता है तो जाति आधार पे ही होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ चुनावों में जाति का महत्व काफ़ी है। यहाँ पे चुनाव भी जो होता है ना, उसमें भी किसका महत्व ज़्यादा है, तो जाति का महत्व है। उसी महत्व को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे राजनीति में जाति से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, राजनीति में जाति तो देखेंगे, जाति राजनीति में किसका एंट्री हो रहा है, जाति का। अगर राजनीति में जाति का एंट्री हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, राजनीति में जाति। हम लोग इस बात को क्यों ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे जाति में राजनीति। जाति में राजनीति मतलब जाति में किसका एंट्री हो गया, तो राजनीति का। इसमें है राजनीति में किसका एंट्री हुआ, तो जाति का। ठीक है, तो इस पॉइंट को आएंगे समझेंगे हम लोग। जाति का राजनीति से गहरा संबंध स्थापित हो गया है। हम लोगों को पता ही है कि आजकल जो भी पार्टी है, कोई भी राजनीतिक दल हैं, वो क्या करते हैं, जितना से ज़्यादा जातिवाद का यूज करते हैं। तो वही चीज़ है, जाति का राजनीति से गहरा संबंध स्थापित हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, राजनीति में जाति विभेद इतनी गहरी पैठ बना चुकी है कि बेटी और वोट अपनी जाति को दो का प्रचलन हो गया है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि राजनीति और जाति एक दूसरे का परस्पर संबंध बना चुके हैं। किस किस के बीच में हम संबंध बोल रहे हैं, राजनीति के बीच में और जाति के बीच में एक दूसरे के क्या हो गया है, संबंध बैठ गया है। तो ये कैसे संबंध बैठा है तो समझेंगे। तो जाति भी क्या है कि जाति भी में क्या होता है, अगर हम लोग शादी विवाह करते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं कि एक ही जो जाति के लोग हैं वो अपनी बेटी का विवाह कहाँ करते हैं, तो अपने ही जाति में करते हैं। तो मतलब बेटी को कहाँ किया जाता है, अपने ही जाति में विवाह किया गया। उसी तरह से राजनीति में भी क्या हो गया है, जाति एंट्री मार दिया है। तो देखेंगे, तो राजनीति में जाति कैसे एंट्री मारा तो ये भी समझेंगे। जैसे कि वोट देने की बारी भी जब भी आती है तो लोग किसको देते हैं वोट, तो अपनी ही जाति वाले को वोट देते हैं। तो इसीलिए हम बोले कि राजनीति और जाति में क्या हो गया है, परस्पर संबंध बैठ गया है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचार। यहाँ पे जाति व्यवस्था पर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, आइए उन विचार को देखते हैं। जैसे एक जगजीवन राम का विचार देखना हम लोग का, और एक रजनी कोठारी के बारे में। ठीक, देखेंगे जगजीवन राम कौन है, तो जगजीवन राम को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से और जानते हैं, बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है जगजीवन राम को। जगजीवन राम जो है भारत के पहला दलित उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भारत के पहले उप दलित प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं, तो जगजीवन राम। यह बिहार के ही पुत्र हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम ने जाति व्यवस्था पे एक कड़ी टिप्पणी की थी। यह क्या था, कौन सा टिप्पणी था, तो देखेंगे, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता है। कहने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति हर चीज अपना छोड़ सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था पर से उसका विश्वास खत्म नहीं हो सकता है। मतलब वो जाति व्यवस्था में ही लगा रहेगा, कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने जात को ही करेंगे। कुछ भी हो जाए, समाज बढ़ जाए, विभाजन हो जाए, देश का कुछ भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, समाज विकास नहीं कर रहा है, फिर भी हम वोट किसको देंगे, तो अपने ही जातिवाद को, जाति वाले के लोग देंगे। यही कहने का था इनका अर्थ। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, रजनी कोठारी जो है जाति व्यवस्था पर क्या अपनी टिप्पणी करते हैं, देखते हैं।
रजनी कोठारी कौन है? तो मेनली एक राजनीतिज्ञ हैं और लेखक भी हैं। ठीक, रजनी कोठारी कहते हैं कि जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। मतलब जाति विहीन राजनीति, मतलब बिना जाति के एंट्री मारे राजनीति करना, ऐसा राजनीति जिसमें जाति का एंट्री ना हो, की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने, वास्तविकता पर पर्दा डालने का अर्थ क्या है कि वास्तविकता तो यह है कि बिना जाति का, तो बिना जातिवाद का राजनीति हो ही नहीं सकता। आज भारत में क्या है, बिना जातिवाद का राजनीति हो तो होता नहीं है। अगर उसमें जाति विहीन राजनीति कर देते हैं, मतलब जाति का एंट्री नहीं कराते हैं, तो वो राजनीति हो ही नहीं सकता है। इसी को किसने कहा था? तो रजनी कोठारी ने इस बात की बताई। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति में जाति का प्रभाव। तो इस पॉइंट को समझने से पहले हम लोग ध्यान देंगे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भारत में जाति व्यवस्था का क्या बुरा प्रभाव है। हम क्या बोले, भारत में जाति व्यवस्था का क्या बुरा प्रभाव पड़ा है, तो उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। वो पॉइंट तो आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है उस पॉइंट और इस पॉइंट में। यहाँ पे है कि राजनीति में जाति का क्या प्रभाव है, और उसमें था क्या कि भारत में जाति का क्या बुरा प्रभाव है। ठीक है, आइए इस बात को समझते हैं। राजनीति में जाति का प्रभाव, हम लोग इसको, इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग चार पॉइंट देखेंगे कि राजनीति में जाति का क्या 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 प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट है कि जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन। जब भी क्या होता है, जब भी कोई इलेक्शन होता है, तो उस वक्त हम लोग देखते हैं कि जाति के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाने लगता है। मतलब वहाँ पर देखा जाता है कि किसी भी कोई क्षेत्र में मान लो चुनाव होने वाला है, तो उस क्षेत्र में देखा जाता है कि उस क्षेत्र में कौन से लोग, किस जाति के लोग जो हैं ज़्यादा हैं। मान लेते हैं कोई क्षेत्र है, उसमें हम मान लेते हैं कि बढ़ई जो है 90% है। तो क्या राजनीतिक दल ये देखते हैं ना कि बढ़ई जो है वहाँ पे 90% है, तो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस उम्मीदवार को टिकट दें जो किस जाति से हो, तो बढ़ई जाति से हो। ठीक है, तो जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व। अब क्या हो जाता है, जब मान लेते हैं सरकार बन जाता है, चुनाव ना हो गया, सरकार बन गया, तो उसमें भी किसका ख्याल रखा जाता है, तो जातीय समीकरण का ख्याल रखा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मतलब विभिन्न जाति, अलग अलग जाति के लोग जो हैं, जो चुनाव जीत के आए हैं, उनको उस सरकार में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई बढ़ई जाति से जीत के गया या कोई राजपूत जाति से जीत के गया, अगर उसका प्रतिनिधित्व संसद में नहीं रहेगा या विधानसभा में नहीं रहेगा, तो उन लोगों को लगेगा कि हमारा कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ठीक है, तो दो पॉइंट आ गया समझ में। देखते हैं थर्ड पॉइंट, जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों का सक्रियता। मतलब जातीय भावनाओं, मतलब जात से जो भावना जुड़ा, उनको क्या करते हैं राजनीतिक दल जो थे, वो उनको उकसाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग अभी पढ़ें कि मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में बढ़ई जो है वो कितना प्रतिशत है, 90% है, तो कोई भी अगर उस जाति का है, तो वो क्या करता है, अगर चुनाव प्रचार हो रहा है तो उस वक्त बोलता है कि हम क्या हैं, हम भी बढ़ई हैं, आप भी बढ़ई हैं, तो भाई आप किसको चुनना चाहेंगे, किसी दूसरे जाति वाले को तो नहीं चुनना चाहेंगे, तो वो क्या कर देते हैं, जातीय भावनाओं को क्या कर दिया है, उसका उकसा देते हैं, जिस कारण से उनको चुनाव में जीतने में सहायता होती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कमजोर जाति के लोगों का राजनीति में बढ़ती अभिरुचि। मतलब कमजोर जाति के जो लोग थे वो पहले राजनीति में उतना रुचि नहीं लेते थे, लेकिन अब क्या होने लगा है कि कमजोर जाति के जो लोग हैं वो भी राजनीति में रुचि लेने लगे हैं। ऐसा क्यों? उन्हें जब यह लगने लगा कि भाई राजनीति में उनका भी वोट का वैल्यू जो है क्या है, समान है, तो वो क्यों पीछे रहें, तो उन्होंने भी अपने समाज को विकास करने के लिए, अपने कमज़ोर जो जाति से लोग हैं उन्होंने अपने समाज को विकास करने के लिए भी क्या कर दिया, राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम होना। इसका क्या अर्थ है? तो चुनाव में जाति का प्रभाव कम होना। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि चुनाव में जो कि कोई भी चुनाव हो रहा है तो उसमें जाति जो है उस सबसे मुख्य भूमिका में नजर आ रही है। कि अगर ये मान ले कि चुनाव कोई चुनाव जिताने के कगार पे आप पहुंचा दे रही है जो जाति व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि चुनाव में जाति का प्रभाव क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, ठीक। कैसे देखेंगे? अगर एक से ज़्यादा जाति के लोगों का विश्वास प्राप्त हो, अगर एक से ज़्यादा लोगों का जाति जब तक नहीं का विश्वास प्राप्त होगा तो कोई जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। दूसरा पॉइंट है किसी क्षेत्र में किसी जाति का प्रभुत्व होने पर अनेक पार्टियां उस क्षेत्र में उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा कर देती है। मतलब मान लेते हैं कोई क्षेत्र है जिसमें 80% क्या है राजपूत जाति के लोग हैं, 20% क्या हैं तो अन्य जाति के लोग हैं। इन इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं तीन पार्टी हैं ए बी सी, और तीनों पार्टी जो हैं वो क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे राजपूत जाति का बहुसंख्यक में है तो यहाँ पे जो उम्मीदवार खड़ा करें वो राजपूत जाति का ही हो, वो क्या कर देते हैं तीनों के तीनों राजपूत जाति का खड़ा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो तीनों में तो यह राजपूत जाति का वोट जो है बढ़ जाएगा। अब ये वोट बढ़ जाने के कारण अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होना चाहिए, एक से ज़्यादा जाति का जिसको लोगों का विश्वास प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा जीतेगा। तो इसमें यही बताना था कि किसी क्षेत्र में किसी जाति का प्रभुत्व होने पर अनेक पार्टियां उस क्षेत्र में उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा कर देती है। देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो भारतीय राजनीति में जाति तो महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई है। अब देखेंगे इसके दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष कहने का अर्थ है कि भारतीय राजनीति में जाति का अच्छा प्रभाव क्या है, ठीक। और नकारात्मक पक्ष कहने का अर्थ है कि भारतीय राजनीति में जाति का बुरा प्रभाव क्या पड़ा। आइए हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय राजनीति में अच्छा प्रभाव क्या पड़ा। सबों को सत्ता में भागीदारी बढ़ गई। अब अलग अलग जाति के लोग आ गए तो इनसे क्या हो गया कि सबों को सत्ता में भागीदारी मिल गई। हम बताएं कि अलग अलग जाति के लोग चुन के आए तो उनसे क्या हो गया, अलग जाति के लोग जब चुन के आए तो उस जाति के लोग भी सरकार में भाग लेने लगे। सामाजिक न्याय की प्राप्ति में वृद्धि हुई, सामाजिक न्याय में भी वृद्धि हो गया। राजनीतिक चेतना बढ़ी, राजनीतिक चेतना बढ़ने का अर्थ है कि राजनीति में जो कमजोर जाति के लोग थे उनकी भी भागीदारी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। आइए इसके नकारात्मक पक्ष हम लोग देखते हैं। समाज अनेक प्रतियोगी समूह और टुकड़ों में बढ़ जाता है। समाज जो है बहुत सारा, भारत में बहुत सारा 3000 ऑलमोस्ट जाति होने के बाव के कारण समाज जो है गया अनेक टुकड़ों में बट गया। तो ये क्या हो गया, समाज अनेक अनेक टुकड़ों में बट गया, खंड हो गया। मतदाताओं को विभाजित कर चुनाव में लाभ उठाने की कोशिश। अब क्या होता है, जब भी चुनाव होता है तो चुनाव होने पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, मतदाताओं को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, कि वो उनको बांटने की कोशिश करते हैं और उनसे क्या करना चाहते हैं कि चुनाव में लाभ उठाना चाहते हैं। तो इससे समाज में भी बंटवारा हो जाता है। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हैं। जो अंग्रेज भी जो थे वो भी क्या करते थे, फूट डालो और शासन करो की नीति भी अपनाते थे। आज जो राजनीतिक दल हैं वो भी क्या करते हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति अपना कर अपना राजनीति उल्लू सीधा कर रहे हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो जाति के आधार पर है। भारतीय समाज पर जातिवाद के दो कुप्रभाव का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग पहला वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करा चुके हैं कि भारतीय समाज पर जातिवाद के दो बुरा प्रभाव,
ये क्वेश्चन हम पहले वीडियो में डिस्कस करा चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं अभी भी विद्यमान है, स्पष्ट कीजिए। मतलब भारत में क्या बोल रहा है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं अभी भी हैं, तो कैसे हैं? तो भारत में देख सकते हैं जातिगत असमानता है। जातिगत असमानता का मतलब जाति में भेदभाव। तो जाति में भेदभाव कैसे हैं, तो देख सकते हैं अंतर्विवाह के कारण, अशिक्षितता के कारण, शिक्षा के कारण और पेशा के। तो जाति में हम लोग असमानताएं देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, अंतर्विवाह। अंतर्विवाह का अर्थ है कि कोई जाति के जो लोग हैं, कोई खास जाति के जो लोग हैं, वो अपना विवाह जो है उसी जाति में करना चाहते हैं, वो दूसरे जाति में नहीं करना चाहते हैं। ये क्या हो गया, जाति में असमानताएं हो गई, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत। मतलब यह एक ऐसा विचार है जिसमें निम्न जाति के जो लोग हैं वो उच्च जाति को छू नहीं सकते हैं। यह भी क्या हो गए, जातिगत असमानताएं में आवे। तीसरा पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा में जातिगत असमानताएं कैसे हैं, तो निम्न जाति के जो लोग हैं उनको शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था। यह भी क्या है, जातिगत असमानता है। बट अब समय चेंज हो रहा है, अब धीरे धीरे सब चेंजिंग की ओर दौर बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशा। पेशा का क्या अर्थ हो गया, पेशा भी जातिगत असमानता में कैसे भागीदारी अपना निभा रही है, तो इसको देखेंगे। पेशा जो है, कहने का अर्थ हो गया कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसी को हम लोग पेशा कहेंगे, ठीक। अगर पेशा को कैसे हम जातिगत असमानता से जोड़ सकते हैं, तो देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति जो निम्न जाति का है, अगर वो अपने परंपरागत कार्य को नहीं कर रहा है, अगर वो कहीं चल गया, कहीं उच्च जाति के कार्य करने लगा, तो लोग उसको क्या कर देते थे, जातिगत असमानता के भावना से देखने लगते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत अभी भी जातिगत असमानता व्यापक है। भारत में भी अभी भी क्या है, जातिगत असमानताएं बहुत मात्रा में हैं। ये चार पॉइंट हम लोग देखकर समझ गए हैं, ठीक है। थैंक यू।